आई एम रेणुका व्यास फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 6 लिंग। लिंग पता है आप लोगों को किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री जाति का भेद होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, दो लिंग होते हैं, और जिसमें पुरुष जाति का भेद होता है वो पुरलिंग कहलाते हैं, है ना। तो लिंग स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? लिंग। लड़का लड़की, लड़का से क्या मालूम पड़ा है अपने को? कौन सा लिंग है? पुरलिंग। और लड़की से स्त्रीलिंग। पुजारी पुजारी, पुजारी क्या हो जाएगा? क्या होएगा ये? पुजारी पुरलिंग और पुजारी स्त्रीलिंग। राजा पुरलिंग और रानी स्त्रीलिंग। मोर पुरलिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। शेर क्या हो जाएगा? पुरलिंग और शेरनी स्त्रीलिंग। हंस क्या हो जाएगा? पुरलिंग और हंसिनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। उपरोक्त शब्दों से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक प्राणी में स्त्री तथा पुरुष जाति होती है। यहाँ लड़का पुजारी, राजा मोर शेर तथा हंस शब्द पुरुष जाति को और लड़की पुजारी रानी मोरनी शेरनी तथा हंसिनी शब्द स्त्री जाति को दर्शाते हैं, जिसका ज्ञान हमें लिंग के द्वारा होता है। लिंग के द्वारा हमें क्या पता चलता है? कौन सा पुरलिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। हिंदी में कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। संस्कृत में चार होते हैं, तो हिंदी में कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? पुरलिंग। जैसे आदमी, सेठ, गुड्डा। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे औरत, सेठानी, गुड़िया। अब हम कुछ अन्य पुरलिंग स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। नायक का क्या हो जाएगा? नायिका, घोड़ा घोड़ी, पाठक पाठिका, कुत्ता कुतिया, बादशाह बेगम, श्रीमान श्रीमती। गायक गायिका, मुर्गा मुर्गी, दास दासी, ताऊ ताई, बूढ़ा बुढ़िया, नर्तक नर्तकी, मास्टर मास्टरनी, सास ससुर, चूहा चूहिया, पुत्र पुत्री, हाथी हतिनी, नर नारी, मौसा मौसी, चीटा चीटी, देव देवी, विधुर विधवा। ये क्या है? पुरलिंग और स्त्रीलिंग। अब कुछ अपन विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो हमेशा पुरलिंग में ही रहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर आदि। ये है जिनके लिंग परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुरलिंग में होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? पुरलिंग में होते हैं, वो उच्च परिवर्तन नहीं होते, स्त्रीलिंग में नहीं होते। कौन कौन से वो शब्द हैं? उल्लू चीता कौवा बगुला बिच्छू कछुआ खटमल आदि। ये शब्द कौन से हैं जो हमेशा पुरलिंग में होते हैं, उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, वो कौन से शब्द हैं? गिलहरी चील बतख मछली तितली मक्खी कोयल आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, इसे पुरलिंग में नहीं किया जा सकता है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले क्या है? परिभाषा लिंग की। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? लिंग। जैसे राजा रानी, शेर शेरनी, घोड़ा घोड़ी। ये इसके उदाहरण हैं। लिंग बदल कर लिखिए। लिंग परिवर्तन करना है, पुरलिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, युवक युवती, सिंह सिंहनी, दुल्हा दुल्हन, भतीजा भतीजी, माली मालिन, नर नारी,
घोड़ा घोड़ी, जीजा का क्या हो जाएगा जीजी, पोता पोती, गायक गायिका, मुर्गा मुर्गी, दास दासी, चूहा चूहिया, पुत्र पुत्री, राजा रानी, शेर शेरनी, लड़का लड़की, मोर और मोरनी। ये सारे आपको कॉपी में नोट डाउन करने बेटा। कोई ऐसे शब्द, चार शब्द लिखिए जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अपन ने अभी पढ़ा ना पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द होते हैं, चीता बगुला कौवा खटमल आदि। ये चार शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, उसके चार अपने को उदाहरण लिखने हैं। कोई ऐसे चार शब्द लिखे जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चील मछली तितली कोयल आदि। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। लिंग के कितने भेद होते हैं अभी पढ़ाना अपन ने, लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है, किसका नहीं बदलता है, प्रधानमंत्री का लिंग नहीं बदलता है। गिलहरी शब्द क्या है, गिलहरी स्त्रीलिंग है, काहे पे राइट लगाएंगे, स्त्रीलिंग। यह बच्चों को कॉपी में उतारना है, उसको याद करना है। थैंक यू।